हिमाचल प्रदेश में पिछली दो बरसातों ने काफी नुकसान पहुंचाया है और बादल फटने की घटनाओं से प्रदेश में आर्थिक नुकसान के साथ जानी नुकसान भी हुआ। आपदाओं से निपटने के लिए लोगों को जागरूक करने का आपदा प्रबंधन कार्य कर रहा है। इसी दिशा में अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस के मौके पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ राजस्व विभाग द्वारा शिमला के गेयटी थिएटर में समर्थ 2024 आपदा प्रबंधन जन जागरण अभियान और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पिछले साल बरसात में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ और सैकड़ों लोग काल का ग्रास बन गए। आम लोगों, स्थानीय प्रशासन और सरकार के सहयोग से आपदा पर नियंत्रण पाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ समय से बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसका एक कारण जलवायु परिवर्तन भी है। हिमाचल सरकार ने बादल फटने की घटनाओं के कारण को जानने के लिए केंद्र सरकार को भी पत्र लिखा है, साथ ही सरकार भी अपने स्तर पर इसको लेकर काम कर रही है ताकि भविष्य में इस तरह की आपदा में बचाव हो सके। आम लोगों को भी आपदा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। देखिए, पिछली बार प्रदेश ने भयंकर आपदा का सामना किया और पूरी प्रदेश ने इस आपदा का सामना चुनौतीपूर्ण ढंग से हिमाचल की जनता, सरकार, सभी लोगों ने किया। ऐसी आपदा हमने अपने जीवन काल में जब पिछले वर्ष आई नहीं देखी थी, पर लेकिन जब जनता और सरकार का सहयोग मिला और हमने उस आपदा पर नियंत्रण पाया। आज मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले, अभी पिछले वर्ष भी समेज में और जगह आपदा आई, क्लाउड वर्स्ट हुए, और क्लाउड वर्स्ट के कारण क्या है, काफ़ी समय से क्लाउड वर्स्ट देखा जा रहा है, तो ये क्लाइमेट चेंज का भी एक कारण हो सकता है। उसकी स्टडी करने के लिए हमने केंद्र सरकार को भी लिखा है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि हिमाचल सरकार अपने प्रयास जारी रखे हैं और आपदा के लिए हमने एक प्रोजेक्ट भी बनाया है जो तकरीबन 800 करोड़ रुपए का है और अपनी जो एसटीआरएफ है, टीम है, उसको भी मजबूत हम कर रहे हैं इस संदर्भ में, ताकि भविष्य में जो भी आपदा आए हम उस चुनौती का सामना कर सके। धन्यवाद सर। जयराम ठाकुर जी कह रहे हैं कि आप, आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस के मौके पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ राजस्व विभाग द्वारा शिमला के गेयटी थिएटर में समर्थन 2024 आपदा प्रबंधन जन जागरण अभियान और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुभारंभ किया। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट।